हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग। तो आज हम बात करने वाले हैं वोकेशनलाइजेशन ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, यानी सेकेंडरी लेवल पे जो आप एजुकेशन दे रहे हैं बच्चों को, उसको आपको वोकेशनलाइज करना है। ठीक है, अब इसका क्या मतलब होता है, क्या इसका कॉन्सेप्ट है, कहाँ से शुरू हुआ, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, हम सबके बारे में बात करेंगे। एंड दिस इज मी प्रेजेंटेड बाय रवीना। लाइक शेयर और सब्सक्राइब जो है आप इनकलकेट लर्निंग को कर दीजिएगा अगर आपको वीडियोस हेल्पफुल लग रही हैं, और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। उसके बाद चलिए बात करते हैं सबसे पहले मीनिंग की। जब हम वोकेशन के मीन की बात करते हैं कि वोकेशन, वोकेशनलाइजेशन वर्ड में जो वोकेशन है उसका मतलब क्या है, तो वो है कि किसी भी इंडिविजुअल का जब डेवलपमेंट होता है, किसका डेवलपमेंट, टैलेंट का या किसी भी एबिलिटी का या स्किल का, तो वो और किसके लिए हेल्पफुल होगा, वो ऑब्वियसली उसके करियर के लिए हेल्पफुल होगा। तो वोकेशन का मतलब होता है ये। और जब आप वोकेशनलाइजेशन कर रहे हैं, यानी कि वोकेशनल एजुकेशन जो है वो आप प्रोवाइड करवा रहे हैं, और वोकेशनल एजुकेशन का मतलब क्या हो जाएगा कि विद इन द स्कूल जो आपका वोकेशनल स्कूल होगा उसी में आप बच्चों को एक स्पेसिफिक ट्रेड के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, यानी आप उनके अंदर स्किल डेवलप कर रहे हैं, एक्सपर्ट बना रहे हैं आप उनको टेक्नोलॉजी में या किसी भी एक चीज में, पर्टिकुलर चीज में, ताकि वो किस में उनके करियर डेवलपमेंट के लिए हेल्पफुल हो और उनकी एम्प्लॉयमेंट के लिए हेल्पफुल हो। ठीक है, ये हो गया वोकेशनल एजुकेशन का मीनिंग। उसके बाद हम बात करते हैं कहां से शुरू हुई। तो एज यूजुअल जैसे मैं सिनेरियो या एक स्टोरी बताती हूँ आपको, तो वहीं से शुरू करते हैं कि 1976 में एनसीईआरटी ने क्या किया, हायर एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन एंड इट्स वोकेशनलाइजेशन, इस नाम से एक डॉक्यूमेंट प्रेजेंट किया। ठीक है, उस डॉक्यूमेंट में क्या था, उन्होंने एक मॉडल बना रखा था कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क का कि आप इसको इंप्लीमेंट कैसे करेंगे वोकेशनलाइजेशन को सेकेंडरी लेवल पे। ठीक है जी, हायर सेकेंडरी एजुकेशन की जब बात कर रहे थे वो, तो उस टाइम पे जो है इन्होंने क्या बोला, 1976 में इन्होंने बोला कि एक लिमिटेड एरिया में या एक लिमिटेड जो है स्टेट में लगा लीजिए, तो एक पर्टिकुलर आपको लिमिट करना है एरिया को, इसको देख चला के देखने के लिए, यानी कि आपको ये अप्लाई करना है लेकिन एक पर्टिकुलर एरिया में, कि आपको वर्क करवा के देखना है कि ये काम करेगा भी या नहीं। ठीक है, फिर 1986 में जो है इसको 10 स्टेट्स में और 5 यूनियन टेरिटरीज में इसको लागू कर दिया गया। ठीक है, और जब इन्होंने ये किया 1986 में, तो 1986 के आंकड़े क्या बता रहे हैं कि 2.5% ऑफ स्टूडेंट पॉपुलेशन जो कि हायर सेकेंडरी स्टेट में, यानी कि 11th 12th में जो बच्चे आए थे उस पर्टिकुलर ईयर में, उनमें से 2.5% जो है स्टूडेंट की जो पॉपुलेशन है वो किसमें कवर की गई, वोकेशनलाइजेशन में कवर हुई, यानी कि अप्रोक्स 72,000 स्टूडेंट्स जो है उस टाइम पे उनको वोकेशनल एजुकेशन प्रोवाइड करवाई गई थी। ये 1986 की बात है। उसके बाद हम बात करें तो 1988 से जो है एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम वोकेशनलाइजेशन ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के लिए शुरू की गई। अब ये शुरू क्यों की गई, अब या तो आप इसके ऑब्जेक्टिव बोल लीजिए या फिर आप रीजन बोल लीजिए कि नीड क्या थी। ठीक है, तो ये उनमें आ जाता है। और जब हम बात करेंगे वोकेशनलाइजेशन की नीड की, तो आप ये पॉइंट्स उस पॉइंट में भी इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम क्यों शुरू की गई थी वोकेशनलाइजेशन ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के लिए, ताकि डाइवर्सिफिकेशन हो सके एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज का, यानी आप पढ़ाई के साथ साथ आपने कुछ चीजें सीखी हैं अलग तरीके की, तो वो क्या हो गया, डाइवर्सिफिकेशन हो गया, यानी आपने बहुत अलग अलग डाइवर्स चीजें जो है वो सीखी हैं। टू एनहेंस इंडिविजुअल्स एम्प्लॉयबिलिटी, यानी एम्प्लॉय की, यानी एम्प्लॉय बनने की जो एबिलिटी है उसको हम बोलेंगे एम्प्लॉयबिलिटी। तो किसी भी पर्टिकुलर इंडिविजुअल की जब उसने जो है ये वोकेशनलाइजेशन का कोर्स कर लिया है या उसने वोकेशनल एजुकेशन प्राप्त कर ली है, तो वो क्या होगा, एनहेंस हो जाएगी उसकी एम्प्लॉयमेंट की जो चांसेस हैं वो इंक्रीज हो जाएंगे। ठीक है, फिर आता है टू रिड्यूस द मिसमैच बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई ऑफ स्किल्ड मैन पावर। कई बार अगर आपको इसी इश्यू या ये डिबेट सुनने को मिला हो, तो आपको पता होगा कि जो हमारे स्कूल्स में पढ़ाया जाता है या जो कॉलेजेस में पढ़ाया जाता है, वो जो बुकिश नॉलेज है वो प्रैक्टिकल नॉलेज में काम नहीं आती, यानी जब प्रैक्टिकल वर्क आपको करने की बारी आती है या आप जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, तो वो चीजें काम नहीं आती। तो वो क्या है, वो मिसमैच है, यानी जो आपने पढ़ा है बेसिकली जो कंपनीज को चाहिए वो, और जो आपके अंदर है इसके लिए जो आपने पढ़ा है वो क्या हो रही है, मिसमैच हो रही है, मैच नहीं हो रही। तो उनकी डिमांड कुछ और है, आप जो सप्लाई कर रहे हैं यानी आपको जो आता है वो अलग है। तो ये क्या हो गया, मैन पावर का, यानी जो
जॉब लगने हैं वहां पे, उनकी जो स्किल है उसमें और जो उनको स्किल चाहिए वो मिसमैच हो रही है, तो ये रिड्यूस हो जाएगा क्योंकि आप वोकेशनलाइजेशन को ध्यान में रखते हुए उनको वही चीजें पढ़ा रहे हैं जो चाहिए हैं पर्टिकुलर जब आप जॉब करेंगे उस पर्टिकुलर फील्ड में, ठीक है। फिर आता है एन अल्टरनेटिव फॉर दोज परसुइंग हायर एजुकेशन, यानी जो हायर एजुकेशन परस्यू करना चाह रहे हैं वो तो अच्छी बात है, लेकिन जिनको वो नहीं करना परस्यू, ठीक है, तो एक पर्टिकुलर एज के बाद, एक पर्टिकुलर बेसिक एजुकेशन के बाद जो है वो जॉब या करियर ओरिएंटेड हो सकते हैं जब आप वोकेशनलाइजेशन की बात करेंगे। और जब हम वोकेशनलाइजेशन की हिस्ट्री या ओरिजिन आप एक्सप्लेन करते हैं स्टार्टिंग में, इंट्रोडक्शन में, तो उस टाइम पे आप जो है उन कमीशन का जो है आप मेंशन कर सकते हैं, उन कमीशन को जो हमने पहले वीडियोज में भी पढ़े हैं, जहाँ पे जैसे सापरू कमेटी या जो आगे और बाकी कमेटीज आई थी, अबोट वुड कमेटी या कमीशन ने जो रिपोर्ट दी थी, तो उस टाइम पे उन्होंने क्या किया था, उन्होंने पर्टिकुलर वोकेशनलाइजेशन पे बहुत फोकस किया था, तो वो जो है वो आप यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हैं। फिर आता है कि जो ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है ये किसके लिए है, प्लस टू लेवल के लिए यानी 11th और 12th के बच्चों के लिए, और 1988 से ये इंप्लीमेंट की जा रही है। इसके बाद जो इसका रिवाइज्ड स्कीम होगी वो 1992-93 से जो है स्कीम, उसको भी जो है क्या किया गया है, लागू किया गया है, ठीक है, ऑपरेशन में है वो भी। फिर आता है ये है क्यों, ये मतलब ये पर्टिकुलरली करते क्या है, ये तो हमने देख लिया कि ये किस ऑब्जेक्टिव जो है इनका वो क्या है, क्या करेगी ये स्कीम जो अगर अच्छे से अप्लीकेबल हो गई तो, लेकिन ये इसको असिस्टेंस जो है वो किसको प्रोवाइड की जाती है, तो वो क्या क्या चीजें इसमें होती हैं, तो वो फाइनेंशियल असिस्टेंट जो है वो स्टेट्स को प्रोवाइड की जाएगी, क्या करने के लिए, एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर को सेटअप करने के लिए, कि आप जो है स्कूल्स या इंफ्रास्ट्रक्चर भी हम बोल सकते हैं, तो वो चीजों को सेटअप करने के लिए जो है यहाँ पे फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जा रही है। वोकेशनल सर्वेस करवाने के लिए एरिया वाइज जो है कि वहां पे कितने लोग इंटरेस्टेड हैं वोकेशनल एजुकेशन में, या कितने लोगों को पर्टिकुलरली जॉब ओरिएंटेड एजुकेशन चाहिए जो आगे फर्दर हायर एजुकेशन नहीं परस्यू करना चाहते। फिर जो आता है प्रिपरेशन ऑफ करिकुलम के लिए असिस्टेंस दी जाती है, टेक्स्ट बुक, वर्क बुक, करिकुलम गाइड्स के लिए जो है असिस्टेंस दी जाती है, फाइनेंशियल असिस्टेंस। फिर आता है ट्रेनिंग मैनुअल और टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के लिए, जो टेक्निकल सपोर्ट सिस्टम होगा सर रिसर्च और डेवलपमेंट में उसकी स्ट्रेंथनिंग के लिए, अब ये ट्रेनिंग वाला जो पोर्शन है इतना, और उसके बाद इवैल्यूएशन का जो प्रोसेस है, तो इन सब प्रोसेसेस के लिए इस स्कीम के अंडर, क्योंकि स्पॉन्सर्ड स्कीम है तो सेंटर और जो स्टेट है दोनों मिलके काम करेंगे, तो ये दोनों मिलके जो है क्या करेंगे, फाइनेंशियल असिस्टेंट जो है वो सेंटर स्टेट को प्रोवाइड करता है, और कुछ पैसे जो है वो सेंटर अपने स्टेट अपने आप लगाता है, अपने जो एक्सपेंसेस हैं उनको उठाता है, तो ये जो सारी चीजें हैं इनके ऊपर खर्च किए जाते हैं वो एक्सपेंसेस, ठीक है। फिर आता है कि ना सिर्फ स्टेट को बल्कि एनजीओस को और जो वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशन है जो कि सामने से आके वॉलेंट्री यानी अपनी मर्जी से काम करना चाह रही है जो ऑर्गेनाइजेशन इस फील्ड में, तो उनको भी जो है क्या करेगा, सेंटर असिस्टेंट प्रोवाइड करेगा, ताकि ये जो इम्प्लीमेंटेशन है इस आइडिया का, जो वोकेशनलाइजेशन ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन का आइडिया है, वो इम्प्लीमेंट अच्छे से हो सके, ठीक है। फिर आता है द स्कीम सो फार हैज क्रिएटेड इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ 21,000 सेक्शंस, कितने स्कूल्स में, 96 यानी 9,619 स्कूल्स में उन्होंने अप्रोक्स 10 लाख स्टूडेंट्स जो हैं वो 10+2 लेवल पे उन्होंने क्या किया, कैपेसिटी को क्रिएट किया है, ताकि वो वहां पे इतना इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पे डेवलप किया है, ठीक है। द ग्रांट्स रिलीज्ड, जो अब तक रिलीज हुई है ग्रांट्स वो कितनी है, 765 करोड़ जो है वो अब तक रिलीज हो चुकी है। इसके बाद अगर आप और फर्दर इसमें मेंशन करना चाहे तो नेशनल स्किल डेवलपमेंट पॉलिसी जो है वो भी 2009 में आई थी, उसमें भी वोकेशनलाइजेशन की बात की गई, ऑब्वियसली आप स्किल को डेवलप कर रहे हैं, ठीक है। फिर है नीड ऑफ वोकेशनलाइजेशन, जैसे मैंने आपको इस स्लाइड में भी बताया था कि ये जो चार पॉइंट्स हैं आप इनको क्या करेंगे, नीड में भी इंक्लूड करेंगे, क्योंकि नीड क्या है, अब बस आप इसकी वर्डिंग जो है वो थोड़ी चेंज हो जाएगी कि टू रिमूव या टू रिड्यूस द अनएम्प्लॉयमेंट, उसके लिए जरूरत है हमें, जो सेकेंड पॉइंट है इसका, टू रिड्यूस द मिसमैच बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई, ये वाला पॉइंट हो जाएगा, एक अल्टरनेटिव जो है हायर एजुकेशन जो परस्यू नहीं करना चाहते उनके लिए हो जाएगा, और जो है आपको टू प्रोवाइड डाइवर्सिफिकेशन इन द एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज, तो आप थोड़ा सा जो है नीड, आप जरूरत क्या है उस चीज की वो बता रहे हैं, और ये क्या है ऑब्जेक्टिव है, तो आप ऑब्जेक्टिव और नीड में जब आप, मतलब आपको पता होना चाहिए कि आपको कौन से हेडिंग के अंडर जो है किस तरीके से जो है आपने वर्डिंग इस्तेमाल करनी है, बाकी बेसिक इंफॉर्मेशन और कंटेंट यही रहेगा, यानी रिड्यूस
सॉरी ये रिड्यूस्ड अनएम्प्लॉयमेंट आएगा, एम्प्लॉयमेंट को तो इंक्रीज करेगा ऑब्वियसली, फिर आता है इंक्रीज करेगा जीडीपी को, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो रही है तो जीडीपी जो है ऑटोमेटिकली देश के लिए भी फायदा होगा तो जीडीपी भी इंक्रीज होगी। वर्ल्ड क्लास प्रोडक्टिविटी एंड क्वालिटी, क्वालिटी की जो लेवल है वो भी इंक्रीज होगा कि आप पर्टिकुलरली वही चीज सप्लाई कर रहे हैं जो डिमांड चाहिए। एडवांटेजेस की अगर हम बात करें तो वोकेशनलाइजेशन के क्या क्या फायदे हैं, शॉर्टर ड्यूरेशन है ऑब्वियसली, आपको 10th और 12th तक पढ़ाई करनी है, उसके बाद आप क्या कर रहे हैं वोकेशनलाइजेशन में स्किल्स जो है हासिल करके और आप जॉब कर रहे हैं, तो ये करियर माइंडेड एजुकेशन भी हो गई इसी पॉइंट से कनेक्ट करते हुए। लेसर कॉस्ट होगी ऑब्वियसली, एजुकेशन में जितना पैसा लगता है आज के दिन में वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हो जाते हैं कई बार, स्पेसिफिकली अगर आप प्राइवेट से एजुकेशन हासिल कर रहे हैं, तो वो क्या है वोकेशनल क्या होगा, एक पर्टिकुलर पॉइंट तक ही आप स्टडी कर रहे हैं, आप मैक्सिमम जो है प्लस टू तक पढ़ रहे हैं, तो ये क्या हो गया आपकी आगे की जो एजुकेशन की कॉस्ट है वो कम हो गई, तो लेसर कॉस्ट हो जाएगी, ये इसके एडवांटेजेस में आएगा। हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस यानी आप वोकेशनल कोर्सेज कर रहे हैं तो आप पर्टिकुलरली वो स्किल हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, आप वो चीजें करके देख रहे हैं तो फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस हो रहा है आप उन चीजों का, इसीलिए तो ये क्या हो गया एक स्किलफुल एक्सपीरियंस होगा आपका कि आप वो स्किल को हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। डिसएडवांटेजेस कि अगर हम बात करें वोकेशनलाइजेशन में तो लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी है, क्योंकि आप हर कोर्स में जो है क्या नहीं कर सकते, वोकेशनलाइजेशन नहीं कर सकते, यानी आप टीचिंग के कोर्स में जो टेक्निकल या प्रोफेशनल कोर्सेज हैं, इंजीनियरिंग का है, एमबीबीएस है, तो ये जो कोर्सेज हैं इनमें आप जो है वोकेशनलाइजेशन को नहीं इंक्लूड कर सकते, तो एक लिमिटेड लेवल तक आप वोकेशनलाइजेशन को इंक्लूड कर सकते हैं। फिर आता है रॉन्ग एटीट्यूड, डर्थ ऑफ इंस्टीट्यूशन, नैरो करिकुलम, यानी कि इंस्टीट्यूशंस हमारे पास इतने हैं नहीं, करिकुलम जो है वो बहुत नैरो है, नैरो कैसे हो गया क्योंकि आपके कोर्सेज भी जो है वो नैरो है या फ्लेक्सिबल नहीं है, तो लिमिट हो गए कोर्सेज में भी, उनमें भी रिजिडिटी आ गई। अनसुटेबल मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, आप जो है किसी पर्टिकुलर फील्ड में अगर आप जाना चाह रहे हैं और आपको कोई एक पर्टिकुलर मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन चाहिए, यानी आपको मान लीजिए रीजनल लैंग्वेज चाहिए उसमें या आपको हिंदी चाहिए, हो सकता है वो उसमें अवेलेबल ना हो, तो वोकेशनलाइजेशन में जो है अनसुटेबल हो जाती है जब हम मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन की बात करेंगे। लैक ऑफ कंटीन्यूअस एजुकेशन, ऑब्वियसली आप जब 12th तक पढ़ाई कर रहे हैं तो आपकी पढ़ाई तो वहां पे छूटी गई, भले ही आप जो है जॉब कर रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं, एम्प्लॉयड हैं, बट आपका जो कंटीन्यूअस एजुकेशन है वो लैक हो जाएगा। प्रॉब्लम्स क्या आ रही है वोकेशनलाइजेशन में आज के दिन में, तो वोकेशनल कोर्सेज एज डंपिंग ग्राउंड, यानी बेसिकली जिनको आगे पढ़ने का मन है नहीं तो आप क्या कर लो वोकेशनल कोर्स कर लो, नौकरी तो लग ही जाएगी, तो वो वाली जो सिचुएशन है तो एक डंपिंग ग्राउंड का काम जो है वोकेशनल कोर्सेज कर रहे हैं कि जिसको कुछ नहीं करना वो इस साइड आ जाए, इस तरह की चीजें जो है कई बार इंक्लूड होती हैं। लैक ऑफ इक्विपमेंट, नॉन डिटरमिनेशन ऑफ इक्विवेलेंस ऑफ वोकेशनल डिग्रीज, लैक ऑफ इक्विपमेंट में क्या आ जाएगा कि आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, इक्विपमेंट उस लेवल के नहीं है कि जो कि वोकेशन एक्चुअल में जो वोकेशनलाइजेशन होना चाहिए, क्वालिटी जो होनी चाहिए, जो हम वर्ल्ड क्लास क्वालिटी की बात कर रहे हैं, वो फिर जो यहाँ से है नहीं निकल पाएगी। नॉन डिटरमिनेशन ऑफ इक्विवेलेंस की जब हम बात करते हैं, यानी कि एक मान लीजिए एक डिग्री जो है किसी इंसान ने पर्टिकुलरली हासिल की है हायर एजुकेशन करके और एक वोकेशनल डिग्री है, तो ऑब्वियसली हायर एजुकेशन वाली जो डिग्री है वो ज्यादा हेल्पफुल रहेगी और उसकी ज्यादा एलिजिबिलिटी है, उसको एप्लीकेबल जो है वो ज्यादा रहेगी, तो इक्वल नहीं है कि आप वोकेशनल डिग्री आपने कर ली तो वो इक्वल मानी जाएगी किसी हायर एजुकेशन डिग्री के। इनएडिक्युएट गाइडेंस एंड काउंसलिंग फैसिलिटीज, एग्जैक्ट जो है आपको सही तरीके से गाइडिंग गाइड करे कोई इंसान, काउंसलिंग करे इस फील्ड में वोकेशनलाइजेशन ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन में, वो भी एडिक्युएट प्रॉपर जो है चीजें नहीं है, फैसिलिटीज नहीं है इस एरिया में, वोकेशनलाइजेशन ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के एरिया में, या फिर वोकेशनलाइजेशन का ही पर्टिकुलर एरिया अगर हम माने तो लैक है रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, कि इसके बारे में ज्यादा सर्वेज और रिसर्च जो है वो ज्यादा नहीं हुई है। सिस्टमैटिक वोकेशनल सेटअप जो है वो भी नहीं है, जिसकी वजह से क्या होगा कि जब आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर पर्टिकुलर नहीं है, जो है वोकेशनल सेटअप आपका सिस्टमैटिक नहीं है, तो वो चीजें क्या करेंगे आपके लिए दिक्कत बन जाती है। इवेल्युएशन जो है वो भी एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम बन जाती है कि आप वोकेशनलाइजेशन में किस तरीके से इवेल्युएट करेंगे चीजों को और किस तरीके से जो है वो आगे डेवलपमेंट बढ़ेगा वोकेशनलाइजेशन का। फर्दर अगर हम इसमें बात करें प्रॉब्लम्स की ही,
तो कंटिन्यूअस एजुकेशन का ऑब्वियसली हम पहले भी इसमें डिसएडवांटेजेस में, तो जो डिसएडवांटेजेस वाले पॉइंट हैं वो वोकेशनलाइजेशन की प्रॉब्लम्स में हम इंक्लूड कर सकते हैं। कई बार लिमिटेशंस ऑफ वोकेशनलाइजेशन आ जाता है, तो वो चीज भी आपको उसमें भी यही इंक्लूड करनी है। जब आप नीड की बात करते हैं वो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। जब आप इम्प्लीकेशन, कई बार होता है कि इम्प्लीकेशन क्या है वोकेशनलाइजेशन के, तो जो नीड के अलावा बाकी सारी चीजें हमने एक्सप्लेन की है, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस प्रॉब्लम्स, या उससे पहले हमने ओरिजिन और वो चीजें एक्सप्लेन की, तो वो सारी किस में आ जाती है, इम्प्लीकेशंस में आ जाती है कि एक्चुअल में हो क्या रहा है, क्या होना चाहिए, क्या क्या एडवांटेजेस हैं और क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं। तो अगर इम्प्लीकेशन वर्ड है आपके सिलेबस में मेंशन, तो भी आप यही चीजें मेंशन करेंगे, ठीक है। नैरो करिकुलम, हाई ड्रॉप आउट रेट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, ऑब्वियसली जब आप उसके बाद जॉब प्रोवाइड कर रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा, जब आपने एक डिप्लोमा कर लिया बेसिकली किसी भी चीज में, तो वो ड्रॉप आउट हो जाएगा स्कूल से। एम्प्लॉयर्स वॉन्ट एम्प्लॉय विद गुड एकेडमिक स्किल्स नॉट जस्ट वोकेशनल स्किल्स, यानी मान लीजिए कि आप किसी एक इंसान ने हायर एजुकेशन करके वो चीजें सीखी हैं और किसी ने ट्वेल्थ के बाद जो है वोकेशनल कोर्स करके वो चीजें सीख ली हैं, तो जो आपको नौकरी देगा, जो बॉस होगा आपका किसी भी कंपनी का, वो यही चाहेगा कि उसको वोकेशनल स्किल्स की बजाय अच्छे एकेडमिक स्किल्स वाले जो है बंदे मिले, एम्प्लॉयज मिले। तो यहाँ पे भी एक प्रॉब्लम आ जाती है कि वो उनको प्रेफरेंस जो है वो ज्यादा मिलेगी। एक लैक ऑफ एक्सपीरियंस एंड ट्रेंड टीचर्स, कि वोकेशनल एरिया में जो वोकेशनल एजुकेशन में टीचर्स पढ़ाएंगे वो जो है एक्सपीरियंस्ड और ट्रेंड नहीं होते ज्यादा, तो ट्रेनिंग पे भी आपको काम करना पड़ेगा। फिर वोकेशनलाइजेशन एट ऑल लेवल इज नॉट पॉसिबल, ऑब्वियसली लिमिटेड है, फ्लेक्सी है, हर लेवल पे जो प्रोफेशनल कोर्सेज हैं उनमें हम इसको इंक्लूड नहीं कर सकते। तो ये था सब कुछ वोकेशनलाइजेशन ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के बारे में। अगर आपसे कभी वोकेशनलाइजेशन ऑफ सेकेंडरी की जगह सीनियर सेकेंडरी कर दिया जाए या फिर हायर एजुकेशन कर, कोई भी वोकेशनलाइजेशन जहां पे आ गया वहां पे आप इन चीजों को या इस कंटेंट को मॉडिफाई करके इंक्लूड कर सकते हैं। सो दिस वॉज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।